फ्रेंड, आज हम ब्रेड सैंडविच बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी है, बच्चों के लिए क्विकली बन जाती है। आप भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, बट बच्चों के लिए बनाया है मैंने, तो इसलिए कुछ चीज़ें स्किप कर दी है, बट वो मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी। अगर आपको ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कद्दूकस से किया हुआ है सब कुछ। पहले तो खीरा, एक खीरा, एक गाजर, एक शिमला मिर्च, एक प्याज, इतना सब मुझे कद्दूकस कर लेना है। अब हम एक बाउल लेते हैं, बाउल में हम इन सब चीज़ों को साथ में ही कर लेते हैं। पहले अनियन, कैप्सिकम, अब हम इसमें मेयोनीज डालेंगे गाइस। हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप और डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैंने 3 स्पून डाला है। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई डालेंगे। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालना गाइस। ये चिली सॉस, देखिए टमाटो चिली सॉस है, हम इसे भी इसके डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिएगा गाइस। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक डाला, काली मिर्च डाला, टमाटो चिली सॉस डाला है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी किसान टमाटो है तो इसको हम ब्रेड के स्लाइस में लगाएंगे। अब हम इसमें किसान टमाटो केचप का थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे गाइस। इसमें आप चटनी भी लगा सकते हैं, धनिया पुदीना की, या जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, सो मैं बच्चों के लिए शाम का नाश्ता दे रही हूँ। तो गाइस इस तरह से आप इस पे पहले कोई भी एक स्लाइस पे आप चटनी लगा सकते हैं, एक स्लाइस पे आप सॉस लगा सकते हैं, बच्चों को इसी टाइप से पसंद आता है। ऐसे कर लेंगे हम। ब्रेड थोड़ा छोटी है बट कोई नहीं, बच्चों के लिए काफ़ी है। बच्चे खाना नहीं खाते, बहुत नौटंकी करवाते हैं, उन लोगों को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। हमने लगा लिया है इसको। अब जो स्टफिंग है हमारी, उसको यूज करेंगे हम। बहुत ज़्यादा बाहर तक ही मत करिएगा तो फिर दबाते नहीं बनेगा। हमारे स्लाइस छोटे हैं सो हमारा तो इतने मैटर में 6 सैंडविच अच्छे से रेडी हो जाएगा।
आप चाहे तो ऐसे ही खाएं और चाहे तो आप इसको बीच से कट करके खाएं। चलिए अब प्रोसेस आता है हमारा सेकने का। फ्रेंड्स हमारा तवा हो गया है, इसमें या तो फ्रेंड बटर लगाइए, बट मेरे यहाँ बटर नहीं है तो मैं देसी घी को यूज कर रही हूँ, बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे, देखते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा सैंडविच रेडी है, बस इसको बीच से कटर करना है और ये देखिए फ्रेंड्स सैंडविच रेडी है, होममेड है, फर्स्ट टाइम बनाइए गाइस, अच्छी लगे तो बताइएगा। प्रकृति यम्मी यम्मी रियली really?